अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, ये आपका सब्जेक्ट है उर्दू है। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद सबक नंबर 9 को स्टार्ट किया था, जो कि हमने हाफ़ कर लिया था। और हाफ़ चैप्टर में हमने मेजर तुफैल मोहम्मद के बारे में पढ़ा था, उनका तारुफ़ पढ़ा था और उनको दी गई ज़िम्मेदारी के बारे में पढ़ा था। ज़िम्मेदारी उन पर यह थी कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के एक गाँव लक्ष्मीपुर, जहाँ पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपना कब्ज़ा जमा रखा था, दुश्मनों से वो इलाका छुड़वाना था, उसको आज़ाद करवाना था। जी, जब वो मुहाज पर पहुँचे यानी मैदान जंग पर पहुँचे, तो उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया। सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उनको मालूम हुआ कि दुश्मन की पोजीशन उनसे बेहतर है, तो फिर उन्होंने अपने 75 बेहतरीन नौजवानों का इंतखाब किया मुकाबला करने के लिए, ठीक है। और उन 75 नौजवानों को 3 दस्तों यानी ग्रुप्स में तकसीम किया, और 2 दस्ते मोहम्मद आज़म जो कि उनके साथी थे उनकी निगरानी में दे दिए, और 1 दस्ता अपनी निगरानी में रखा। ओके जी, यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आज। हमले के लिए सुबह 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। इससे पहले रात के अंधेरे में वो अपने साथियों समेत दुश्मन की तरफ बढ़े। 25 जवानों के इस दस्ते की कमान संभाले हुए मेजर तुफैल मोहम्मद दुश्मन के मोर्चे के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। दुश्मन को जब अंदाज़ा हुआ कि हमला होने वाला है, तो उसने अंधाधुंध मशीन गनों से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। जी, आप अपने 25 नौजवानों को लेकर उनके मोर्चे के करीब पहुंचे। जैसे ही दुश्मनों ने अंदाज़ा लगा लिया कि जी जंग होने वाली है, हमला दूसरी साइड से हमला होने वाला है, तो आपने उन्होंने अंधाधुंध मशीन गनों से गोलियों की बौछार शुरू कर दी, यानी बौछार का मतलब होता है बरसात शुरू कर दी। पाक फ़ौज के सिपाहियों की तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हुई और मार्के का आगाज़ हो गया। मार्का कहते हैं हमले का आगाज़, जंग का आगाज़ हो गया, ठीक है। पाक फ़ौज ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और वैसे ही हमला स्टार्ट हो गया। फिर मेजर तुफैल मोहम्मद सबसे आगे थे। उन्होंने सबसे पहले दुश्मन की एक मशीन गन चौकी पर दस्ती बम फेंका और उसे हमेशा के लिए खामोश करा दिया। जैसे ही ये जंग स्टार्ट हुई, मेजर तुफैल मोहम्मद ने एक चौकी पर दस्ती बम फेंका और उस जगह को हमेशा के लिए सुला दिया, खामोश करा दिया, मतलब नेस्तो नाबूद कर दिया, मौत की नींद सुला दिया। अपनी तबाही का ये मंज़र देखकर दुश्मन के एक फ़ौजी ने दूसरी मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी। मेजर तुफैल मोहम्मद इसकी ज़िद में आ गए और 3 गोलियां इनके पेट में लगी। जी, जैसे ही आपने दुश्मनों की एक चौकी नेस्तो नाबूद की थी, ख़त्म की थी, तो वहाँ पे दुश्मन के एक फ़ौजी को बहुत ही गुस्सा चढ़ा, और जैसे ही उसने तबाही का ये मंज़र देखा तो उसने फ़ौरन गोलियों की बौछार शुरू कर दी, जिसमें मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद इस बौछार की जद में आ गए यानी लपेट में आ गए और 3 गोलियां आपके पेट में लगीं। इसके बावजूद उन्होंने ये हरगिज़ महसूस ना होने दिया कि वो शदीद ज़ख्मी है। नाराए तकबीर की सदा के साथ उन्होंने अपने जवानों का जोश व जज्बा बढ़ाया और दूसरा दस्ती बम फेंककर दुश्मन की एक और चौकी तबाह कर दी। दुश्मन ने भी जवाबी हमला किया, जिसके नतीजे में उनके नायक मोहम्मद आज़म शहीद हो गए। जी, आपको गोली लगी, पेट के 3 गोलियां लगी। क्लास, आप बेहतर जानते हैं कि एक गोली लगने पे इंसान मुश्किल से बचता है, लेकिन आपके अंदर अपने वतन को बचाने का जज्बा था, उन्हें अपने वतन से सच्ची मोहब्बत थी। क्लास, ऐसे शहीदों को मुहिब्बे वतन भी कहा जा सकता है। मुहिब्बे वतन का मतलब होता है वतन से सच्ची मोहब्बत करने वाला। जी, जैसे आपको पेट में गोलियां लगी, आपने अपने साथियों को बिल्कुल भी महसूस होने ना दिया कि वो तकलीफ़ में है या वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आपने बजाय इसके तकलीफ़ का इजहार करने के, आपने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। अच्छा जी, जैसे ही आपने उनकी दूसरी चौकी तबाह की, तो दुश्मन ने भी जवाबी हमला किया और इस बार जवाबी हमले में नायब मोहम्मद आज़म शहीद हो गए। पहली दफ़ा जब उन्होंने वार किया था, गोलियां वगैरह चलाई थी, तो
मेजर तुफैल मोहम्मद गोलियों के जिद में आ गए और पेट में 3 गोलियां लगीं और दूसरी दफ़ा में नायब मोहम्मद आज़म शहीद हो गए। और शहीद का क्लास हम मरा हुआ नहीं कह सकते, कुरान मजीद में इरशाद है ये ज़िंदा होते हैं और अपने रब के हाथ से रिज़्क पा रहे होते हैं। चले जी हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। अब मेजर तुफैल मोहम्मद तमाम जवानों के तनहा सलार थे, वो मसलसल अपने जवानों को हदायत देते रहे और इनका हौसला बढ़ाते रहे। अब आपने ऊपर पढ़ लिया कि नायब मोहम्मद आज़म तो शहीद हो गए, अब वो तनहा सपा सलार थे, उनके नायब थे अपने फ़ौजियों के, 75 फौजियों के, और उनको बजाए उनको ये एहसास दिलाने के कि अब वो तनहा रह गए हैं सपा सलार, वो उनका हौसला बढ़ा रहे थे, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। उन्होंने इंतहाई बहादुरी से फायरिंग जारी रखी, उन्होंने मतलब मेजर तुफैल मोहम्मद ने, यहाँ तक कि पाक फ़ौज ने अपना गांव दुश्मन के कब्ज़े से छुड़ा लिया। भारतीय फ़ौज पसपा होकर भाग खड़ी हुई। अच्छा जी, गोलियां लगने के बावजूद और असलहा कम होने के बावजूद मेजर मोहम्मद तुफैल और उनके साथी बहुत बहादुरी से दुश्मनों से लड़े, यहाँ तक कि हिंदुस्तानी फ़ौज पसपा होकर का मतलब है हार कर भाग खड़ी हुई। अच्छा क्लास, यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि अल्लाह ताला जिसकी मदद करता है, चाहे वो थोड़े लोग हों, चाहे उनके पास साजो सामान हो या ना हो, आखिर में जीत उन्हीं की होती है, बस शर्त ये है कि हम लोग हक और सच के लिए लड़ रहे हों। ओके, नेक्स्ट। मेजर तुफैल मोहम्मद ज़ख्मों से चूर होने के बावजूद उठे और अपने ज़ख्मी नौजवानों की देखभाल करने लगे। ज़ख्मों से बहुत सा खून बह चुका था, मगर इस मुजाहिद कहते हैं अल्लाह की राह में लड़ने वाले को, का हौसला अभी जवां था। इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी थी, आप अपने नौजवानों अपने साथियों को हौसला दे रहे थे, उन्होंने उनके ज़ख्मों पे मरहम वगैरह कर रहे थे। पाक फ़ौज के आला अफसरान की आमद पर मेजर तुफैल मोहम्मद उठे, उन्हें सल्यूट किया और कहा, जनाब मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ, दुश्मन भाग चुका है। ये कहकर वो गिर गए और हस्पताल पहुंचकर शहीद हो गए। डॉक्टरों ने इस बात पर शदीद हैरत का इज़हार किया, शदीद हैरत मतलब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि वो पेट में 3 गोलियां लगने के बावजूद ना सिर्फ 5 घंटे ज़िंदा रहे बल्कि लड़ते भी रहे। बहादुरी और जानसारी के इस अजीम कारनामे पर उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। निशाने हैदर ये है, इसे कहा जाता है निशाने हैदर। ओके, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी इजाज़ है, इस अजीम जाबाज सिपाही की याद आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। क्लास आज की आपकी रीडिंग यहाँ पर ख़त्म हुई और आपने एक दफ़ा ख़ुद से बुक रीडिंग करनी है और इसको समझना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।